नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 12 शब्दकोश का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, नम्रता अंबर आलोक वरद वनिता समीर शर्वरी शेखर समीरा माधवी हे शब्द आकार विलय प्रमाणे लावा। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमने, देखो अंबर आलोक नम्रता माधवी मानसी वनिता वरद शर्वरी शेखर समीरा और समीर, ठीक है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि तुम्हाला पाठातील रुखाद्या शब्दाचा अर्थ शोधायचा असेल तर यापुढे तुम्ही तो कशा शोधाल शोधारळ सांगा। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये है इसका उत्तर, ठीक है ना, ये है इसका उत्तर। फिर उसके बाद से यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है कि शब्द कोशाचा तुम्हाला करलेला उपयोग तुमच्या शब्दांत सांगा। तो इसका भी उत्तर देख लीजिए बच्चों यहाँ पर है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर है। फिर यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, शब्द कोशा संबंधी खालील मुद्याना धरून परिच्छेद तैयार करा। यहाँ पर देखो मुद्दा कौन कौन सा दिया हुआ है, शब्द कोशाचा उपयोग शब्द कोश पाण्याची उद्दिष्टे, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये है इसका आंसर, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। आप देख रहे हो ना आपके स्क्रीन पर, ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब इसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अलग है, लेकिन बच्चों ये अलग नहीं है, ये इसी में है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने शब्द कोश पाठ का प्रश्न उत्तर कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।